सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नेक्स्ट चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। क्या इस अफेयर की वजह से बर्बाद हुआ था उर्मिला मातोंडकर का करियर? डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से उनका अफेयर जबरदस्त सुर्खियों में रहा, हालांकि दोनों ने अफेयर को लेकर कभी बात नहीं की। बॉलीवुड की रंगीला गर्ल यानी उर्मिला मातोंडकर भले ही आज फिल्मों से दूर हो, लेकिन 90 और शुरुआती 20 के दशक में उनका जादू सिर्फ चढ़कर बोलता था। 1983 में फिल्म मासूम से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उर्मिला ने एंट्री ली थी। वहीं लीड एक्ट्रेस बनकर वे पहली बार 1992 में फिल्म चमत्कार में नजर आई। उर्मिला को फिल्में तो बहुत मिली, लेकिन उनकी सुपरहिट एक्ट्रेस बनाया राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने। 1995 में आई फिल्म रंगीला के लिए उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद उर्मिला थमी नहीं, उन्होंने सत्या, पिंजर, जुदा और कौन जैसी शानदार फिल्में की। 2014 में उनकी आखिरी फिल्म अजूबा आई। पिछले साल उर्मिला ने इरफान खान की ब्लैकमेल में एक आइटम सॉन्ग से वापसी, हालांकि आइटम सॉन्ग कुछ खास कमाल नहीं कर सका। निजी जिंदगी की बात करें तो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से उनका अफेयर जबरदस्त सुर्खियों में रहा, हालांकि दोनों ने अफेयर को लेकर अभी तक बात नहीं की है। बताया जाता है कि उर्मिला के करियर को टॉप पर पहुंचाने में राम गोपाल वर्मा ने काफी मदद की थी, और कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से उर्मिला का करियर बर्बाद भी हुआ। कहा जाता है के राम गोपाल वर्मा कई बॉलीवुड डायरेक्टर से बनती नहीं थी, इस कारण उर्मिला को भी फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी कम होती चली गई। उर्मिला ने 2016 में कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। ये शादी जबरदस्त सुर्खियों में इसलिए भी रही थी क्योंकि मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं। उर्मिला फिल्मी इवेंट्स पर अक्सर पति मोहसिन के साथ नजर आती है।